नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, वैश्विक सुशासन और व्यापार एजेंडे के मुख्य मुद्दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के महिला आश्रय गृह में 29 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। करगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। पेकिंग में अमरीकी दूतावास के निकट विस्फोट। पाकिस्तान में तकनीकी अड़चनों के कारण आम चुनाव के परिणाम मिलने में देरी। और पुरुष विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज शाम चेन्नई में भारत का सामना पाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेश वृद्धि और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। बैठक में ब्रिक्स के अन्य चार देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शासनाध्यक्ष भी भाग लेंगे। आशा है कि ये नेता शांति, सुरक्षा, प्रशासन और व्यापार सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक के साथ आरंभ हुआ। श्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत भागीदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्रिक्स नेताओं की इस बैठक में एक दशक के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग की पहली बार समीक्षा और भावी संभावनाओं पर चर्चा होगी। श्री मोदी रवांडा और युगांडा की यात्रा के बाद कल शाम दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृतज्ञ राष्ट्र ने करगिल विजय दिवस पर आज करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1999 में आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ भारत का ऑपरेशन विजय भी सफल हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं की वीरता का हर भारतीय सम्मान करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि करगिल युद्ध में मिली शानदार जीत के लिए वे वीर जवानों के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान जान की बाजी लगा दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन तथा सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाकर करगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश उन सब वीर सैनिकों को नमन करता है जिन्होंने गर्व के साथ देश की रक्षा की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली तथा अन्य मंत्रियों ने भी करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने कहा है कि वह नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। द्रास युद्ध स्मारक पर पत्रकारों से बातचीत में सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि विजय दिवस मनाना सेना के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और लड़ाई में विभिन्न यूनिटों के योगदान को याद करने का तरीका है जिन्होंने भारत को शानदार जीत दिलाई। एक रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस की 19वीं सालगिरह पर हो रहा समारोह द्रास में संपन्न हुआ। द्रास युद्ध स्मारक में उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की अगुवाई में समारोह शुरू हुआ। कारगिल युद्ध में वीरता पुरस्कार विजेता शहीदों के निकट संबंधी वरिष्ठ सेनाधिकारी और गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में मौजूद सभी लोगों ने देश हित में स्वयं को समर्पित करने का प्रण लिया। करगिल से अनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं स्वाति रखेजा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जटिल अपराधों को सुलझाने के लिए प्रौद्योगिकी जरूरी है और पुलिस ये काम पूर्व अनुमान पर आधारित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कर सकती है। नई दिल्ली में युवा पुलिस अधीक्षकों के दूसरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी समय की मांग है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स इसकी आज जरूरत है।
मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने आते हैं जहां पर नॉन लेजर वेपन्स के भी प्रयोग की जरूरत पड़ती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इसको प्रयोग करने की जरूरत है। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को भी बढ़ाने की और आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzone.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जरा ठहर तो मच्छर, हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले में राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से चलने वाले महिला आश्रय गृह में 29 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार है। उधर इस मामले पर आज बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सदस्यों ने भारी हंगामा किया। महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर नवी मुंबई शहरी क्षेत्र में आज सुबह से इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोपर खैरने में स्थिति तनावपूर्ण है, यहां कल मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थी। प्रदर्शनकारी और स्थानीय समुदाय के लोग नवी मुंबई के कोपर खैरने में आज भी हिंसा कर रहे हैं। पुलिस ने इन इलाकों में स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और संवेदनशील स्थानों पर दंगा नियंत्रण बल और स्टेट रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है। सिंधुदुर्ग में आज पूर्ण बंद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संविधान में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन के मुख्यालय जगदलपुर के पास डिमरापाल गांव में बलराम कश्यप मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन के लोकार्पण के बाद राष्ट्रपति ने ये बात कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित जगदलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के 50 लाख लोगों को निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी। योजना का उद्देश्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के साथ साथ डिजिटल इंडिया अभियान के उद्देश्यों को पूरा करना है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर बस्तर के इस आदिवासी इलाके में सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पताल के नए बने भवन का लोकार्पण भी किया। जगदलपुर से संतोष वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। लोकसभा में आज उस समय कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। श्री सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना में इस महीने की 23 तारीख को शिवपुरी देवास चार लेन की सड़क के उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने के विरोध में यह प्रस्ताव रखा है। श्री सिंधिया ने मामला उठाते हुए कहा कि यह स्थानीय सांसद का अपमान है। इस पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने माफी मांगी। सरकार ने कहा है कि देश का लोक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम जनहित के मुद्दों पर आधारित होते हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की तुलना निजी चैनलों से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रारूप अलग अलग होते हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय समाचारों की प्रसारण अवधि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान जनहित के कई मुद्दे उठाए गए। भाजपा के रामविचार नितम ने छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक का मामला उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया है कि अमरीका ने भारत के पेशेवर विशेषज्ञों और दक्ष लोगों को दिए जाने वाले H-1B वीजा के कोटे में कटौती की है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में श्रीमती स्वराज ने कहा कि अमरीका ने 2014 में 1,08,000 लोगों को H-1B वीजा दिए थे और 2017 में संख्या बढ़कर 1,29,000 हो गई। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेहद सफल रही है। अप्रैल 2015 से राज्य के जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में चल रही इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पेश है जम्मू से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समाज की मूल सतह पर लोगों को आय के साधन पैदा करवाने में कारगर साबित हो रही है। मुद्रा के लाभार्थी इस योजना को न सिर्फ एक आर्थिक सुधार के माध्यम के रूप में देखते हैं, बल्कि उनका मानना है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से उन्हें अपने सामर्थ्य का भी सही आभास हुआ है। मेरा नाम प्रीति रैना है, मैं सांबा से बिलोंग करती हूँ। मेरा काम चल रहा था बुटीक का, फिर मैंने उसको बढ़ाने के लिए सोचा तो मैं बैंक में आई, बैंक से कंसल्ट किया। बैंक वालों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, उन्होंने एक मुझे मुद्रा लोन के बारे में बताया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, जिसको मैं इजिली अफोर्ड कर सकती थी। अभी मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। मेरा नाम सुषमा देवी है। कहीं सुनती थी कि लोन मिलते हैं, जैसे ठीक गारंटी मांगते हैं, लेकिन मेरे पास उतनी गारंटी वाला कोई नहीं था। फिर मैं बैंक में गई, सर के साथ बात की तो बोलते मुद्रा लोन 1 लाख तक मिल सकता है। मैंने लोन लिया और काम को थोड़ा सा बढ़ाया। मेरा नाम अंकुश सिंह है, 2008 का मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने मोबाइल का रिपेयरिंग सेंटर खोला था, उसके बाद सर्विस सेंटर लिए, तो मुद्रा लोन की वजह से ही सारा कुछ हो पाया है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य में अब तक 2,80,000 से अधिक लाभार्थियों को 6,100 करोड़ रुपए शिशु किशोर एवं तरुण कर्जों के रूप में वितरित किए गए हैं। सतपाल के साथ मैं योगेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार जम्मू। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें जाने जगह तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चीन की राजधानी पेकिंग में अमरीकी दूतावास के नजदीक आज दिन में करीब 1 बजे विस्फोट सुनाई दिया। इसमें किसी के जख्मी होने की अभी कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि आम चुनाव के पूरे परिणाम मिलने में देरी होगी। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के सचिव बाबर याकूब ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गणना प्रणाली में कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण मतगणना मशीन से नहीं हाथों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिणामों की घोषणा करने में कोई साजिश या दबाव नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 30% वोटों की गिनती होने पर इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीक इंसाफ पार्टी 120 सीटों की बढ़त के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच तय हो गए हैं। चेन्नई में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, वैश्विक सुशासन और व्यापार एजेंडे के मुख्य मुद्दे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के महिला आश्रय गृह में 29 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। करगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। पेकिंग में अमरीकी दूतावास के निकट विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान में तकनीकी अड़चनों के कारण आम चुनाव के परिणाम मिलने में देरी हो रही है। पुरुष विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज शाम चेन्नई में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।